गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम इंग्लिश बुक का पेज नंबर 11 हम ये वाला बुक वर्क करेंगे। देखो ये क्या है बच्चों, ये है जी, ये है कैपिटल लेटर का जी, ये है स्मॉल लेटर का जी, ये है कैपिटल लेटर का जी, ये है स्मॉल लेटर का जी। देखो बच्चों जी फॉर क्या क्या होता है ये वर्ड को हम पढ़ेंगे। जी फॉर गॉन, जी यू एन गॉन, गॉन मतलब बंदूक, गॉन मतलब बंदूक। जी फॉर गर्ल, जी आई आर एल गर्ल, गर्ल मतलब लड़की, गर्ल मतलब लड़की। जी फॉर ग्रेप्स, जी आर ए पी ई एस ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब अंगूर, ग्रेप्स मतलब अंगूर। जी ओ ए टी गोट, गोट मतलब बकरी छेली, गोट मतलब बकरी छेली। गोट हमें क्या देता है बच्चों, गोट हमें दूध देती है, क्या देती है, दूध देती है, मिल्क देती है। ओके देखो यहाँ पर नीचे ये जो बॉक्स में है उसको हमें बुक वॉक करना है। पुट ए सर्किल अराउंड द लेटर जी वेयर एवर यू फाइंड इन दिस बॉक्स। ये बॉक्स में जो स्मॉल लेटर का कुछ लेटर लिखा गया है उसमें हमें क्या चूज करना है बच्चों, उससे हमें जी को बांछना है और लिखना है, चूज करके लिखना है कि ये जी कहाँ पर है, ये जी को हमें क्या करना है, सर्किल करना है। देखो जहाँ पर जी है, जो जो जगह पर जी है उसको हमें क्या करना है बच्चों, उसको हमें सर्किल घुमाना है। ओके फिर नीचे दिया गया है, देखो पुट ए सर्किल अराउंड द लेटर जी वेयर एवर यू फाइंड इट इन दिस बॉक्स। ये बॉक्स में जो कैपिटल लेटर वाला कुछ लेटर है उस लेटर में से हमको क्या ढूंढना है, हमें कैपिटल लेटर का जी ढूंढकर सर्किल घुमाना है। देखो यहाँ पर कहाँ कहाँ पर जी है, ये देखो जी है, ये 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 सब जी पर हमें क्या करना है बच्चों, हमें सर्किल घुमाना है और ये बुक वर्क आपको करना है। ओके